हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत बड़े रियलिटी शो की, विच इज नन अदर देन बिग बॉस, जिसको अभी जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म में दिखाया जा रहा है। अभी उसमें काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे कि अल्पेश यादव और फुकरा इंसान गए हुए हैं, और अभी यूट्यूब की कम्युनिटी को बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज आज को वो जमाना गया जब हम टीवी एक्ट्रेस को या स्टार्स को देखते हैं, आजकल हम यूट्यूबर्स को ज्यादा देखते हैं, तो उस वजह से ज्यादा जो है सपोर्ट भी यूट्यूबर्स को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या एग्जैक्टली में बिग बॉस है, क्यों करेंगे, और कुछ सीक्रेट्स भी जानेंगे बिग बॉस के। तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। आप गाइस चलो चलते हैं तो जान लेते हैं चीजें जो हमें बिग बॉस के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो बिग बॉस एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है जिसको सलमान खान होस्ट करते हैं, और ये एक ऐसा शो है जो साल में सिर्फ 3.5 महीने, जिसको 100 दिन भी आप अभी बोल सकते हैं, तो 100 दिन ये सिर्फ दिखाया जाता है। अच्छा, अभी बिग बॉस जो है, जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों में काफी ज्यादा क्रेज है उसको समझने के लिए कि एग्जैक्टली में बिग बॉस है क्या। और जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिग बॉस का नाम लेते ही तुनक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो बिग बॉस के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। तो देयर इज अ मिक्स्ड एंड मैच ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते होंगे। इस शो में कुछ टास्क दिए जाते हैं कंटेस्टेंट्स को, अपना घर छोड़ के एक हाउस में रहना पड़ता है जिसको हम बिग बॉस हाउस कहते हैं, तो वहां पे वो दुनिया से कट जाता है, ठीक है। उन 14-15 लोगों को ही आपस में उस घर में रहना पड़ता है, हर चीज मतलब साफ सफाई से लेकर के बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, जो कि अपना काम को खुद करना पड़ता है, कुकिंग वगैरह से लेकर के हर चीज, ठीक है। तो बिग बॉस में सिर्फ वॉशरूम के अलावा सारी जगह जो है कैमराज के लिए मशहूर है बिग बॉस, तो हर जगह 24/7 जो है कंटेस्टेंट्स के ऊपर कैमराज रहते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, हर चीज जो है टीम बैठती है पूरी और प्रॉपर उनके पास, उनके ऊपर कैमराज लगे रहते हैं, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उसमें रिएक्ट करते हैं ये। तो इट ब्रिंग्स आउट द रियल यू इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, री वगैरह भी नहीं होती है बिग बॉस हाउस में, तो ये सारी चीजें रहती है। और आपको दिन में सोना अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके संग आपको रहना पड़ता है बिग बॉस हाउस में। तो अभी के कंटेस्टेंट्स की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता चल जाए बिग बॉस जो अभी करेंटली जो है चल रहा है। तो पहला तो अल्पेश यादव है जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर है, राइट। दूसरा आपका फुकरा इंसान आ जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, इनके भी बहुत सारे व्यूज वगैरह आते हैं, ठीक है। अल्पेश यादव का सिस्टम चलता है सिस्टम, और इनका चलता है पांडा गैंग, ठीक है, अभिषेक का जो कि है फुकरा इंसान। तीसरा आपको जिया मिल जाएगी, ठीक है, जिया और पूजा भट्ट, ये दोनों साथ ही रहते हैं जनरली, तो ये इनका ज्यादा क्रेज नहीं है, क्योंकि बस हाँ क्रेज तो अभी यूट्यूबर्स का, जैसे मैंने बताया क्रेज की अगर मैं ऑडियंस की बात करूं तो यूट्यूबर्स का ऑडियंस ज्यादा है आज को। और फिर आता है एक अविनाश जो कि टीवी में आपने एक्टिंग करते हैं उनको देखा होगा, उनको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो जिसको नापसंद करते हैं वो है बेबी का, ठीक है, वो लड़ती भिड़ती बहुत रहती है और उनको लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। तीसरा अगर मेरे दिमाग में कोई आता है जो कि जीत सकता है तीसरे नंबर पे, वो है मनीषा रानी, ठीक है, तो वो बिहार की है, कॉमेडियन है, 30 मिनट की रील में काफी ज्यादा हंसाती वगैरह है, काफी बार यू नो आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, फाइट्स हो जाती है बहुत बड़ी बड़ी, जिसके लिए भाई बिग बॉस जाना ही जाता है, ठीक है, अपनी फाइट्स वगैरह के लिए। वीक भर पूरा जो है ऑडियंस वोटिंग करती है अपने फेवरेट जो भी कंटेस्टेंट उनको लगता है उनको वोटिंग करती है, और अभी लास्ट में जो है वीकेंड्स में जो है उसका रिजल्ट आता है। बिग बॉस की एक ये चीज बहुत ही स्ट्रिक्ट है इसका रूल कि आप इसको बीच में कहीं पे भी छोड़ नहीं सकते, आपको गेम खेलना तो पूरा ही है, अगर हाँ एक ओनली वे कि आप बिग बॉस से क्विट कर सकते हैं जब आपकी ऑडियंस ही आपका साथ ना दे रही हो, ठीक है, आपको वोट नहीं कर रही हो, आप वोटिंग में अगर जो है हार जाते हैं तो आपको बिग बॉस खुद ही जो है वीकेंड के बाद में निकाल देगा, ठीक है। आप छोड़ते हैं अपनी तरफ से तो आपको 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं बिग बॉस को, ठीक है। पहला मुझे लगता है फुकरा इंसान, अल्पेश यादव और मनीषा रानी, ये 3 कंटेस्टेंट्स बिग बॉस कैसे हैं जो कि अभी काफी ज्यादा हाइप पे हैं, काफी ज्यादा लोग उनको पसंद करते हैं या उनका थोड़ा बहुत मतलब है स्कोप जीतने का, फेवरेट कंटेस्टेंट को आप वोट करते हैं और उसका फाइनल रिजल्ट आता है वोटिंग का वीकेंड में, ठीक है, तो वीकेंड का वार भी चलता है बिग बॉस में। तो ये जो बिग बॉस में जो आप आवाज सुनते हैं, जो वॉइस ओवर सुनते हैं, जैसे सुबह के 9 बजे, तो ये जो आवाज सुनते हैं आप ये विक्रम विजय सिंह की सुनते हैं, ठीक है, तो इस शो के बाद तो आप जान ही रहे हैं उनकी वॉइस कितनी पॉपुलर हो गई है, आपकी क्या वॉइस में यूनिकनेस है वो देखिए और लोगों के सामने प्रेजेंट करिए। जब शहनाज गिल आई थी, ठीक है, वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह आई थी और वो अब देखो कहाँ पहुंच गई है, राइट। आज की दुनिया में जनता ही सब कुछ है, ठीक है, आपको अगर जनता सपोर्ट करती है तो आप किंग हो। अगर तो आप किसको जिता रहे हैं इस ओटीटी सीजन में मुझे कॉमेंट से बताइएगा, बाकी आपको लगता क्या है कौन जीतेगा वो भी मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल से तो ये अनस्क्रिप्टेड ही रहता है, क्योंकि पूरा दिन कैमरा चलता है एंड उसका स्क्रिप्ट बनाना तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा, तो इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, फर्स्ट पॉइंट ये आता है मेरे दिमाग में। दूसरा चीज, अगर स्क्रिप्टेड हो जाएगा ना तो बिग बॉस इतना मजा नहीं आएगा, इट्स ऑल टुगेदर द वे आप कैसे अपफ्रंट जो है रिस्पॉन्स देते हैं किसी चीज को, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, दैट इज वॉट
बिग बॉस में हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें दिखाता है कि यस इट इज नॉट स्क्रिप्टेड। एंड एक चीज और है कि स्क्रिप्टेड तो नहीं है मगर हाँ इंटेंशनली बहुत कुछ ऐसा किया जाता है ताकि शो को हाइप मिले, उसका टीआरपी वगैरह बढ़े। जैसे अभी एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो अभी जैसे अल्बिश यादव की मम्मी को बुला लिया था वीडियो कॉल पे, राइट। हमें सबको बताया कि अल्बिश यादव की आर्मी बहुत ज्यादा है, राइट। ऐसी बात है अगर उसको पिन पॉइंट करके कुछ बोल दिया जाएगा शो में, ठीक है, उसको जो है रुला दिया जाएगा, उसको कुछ ऐसा बोल दिया जाएगा जो उसको बुरा लगेगा, तो ऑब्वियसली उसकी फैन फॉलोइंग को भी बुरा लगेगा, राइट। तो अगर ऑब्वियसली बात है सलमान खान अगर ऐसे बोल देगा नो किसी ऐसे यूट्यूबर को फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है कि आपको तो ऐसे फ्री में सब्सक्राइब किया गया है और 50 रुपीज दे करके अगर आपको सब्सक्राइब करने को बोलेंगे तो देखना सच्चाई सामने आ जाएगी, तो ये दीज आर द थोड़ा उकसा देता है आदमी को, राइट। तो ऑब्वियसली की बात है उसको तो उसके लिए नहीं था, उसके फैन फॉलोइंग्स के लिए था वो एक्चुअल, ताकि वो लोग जो है थोड़ा सा और भड़क जाए। तो ऐसे में क्या होता है दोनों के लिए ही जो सीजन है चल रहा है शो चल रहा है वो उसको तो हाइप मिलता ही है, साथ में साथ कंटेस्टेंट होता है उसके लिए भी आदमी में ऑडियंस में इमोशन जागता है और वो उसको और सपोर्ट करता है। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें लगता है ना कि हम बहुत बार ऑब्वियसली बात है हम ये काम बहुत अच्छा करते हैं कि यार इसके संग बहुत बुरा हो रहा है, राइट, इसके संग अच्छा होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं अंदर से फिर उसको और वोट करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि उसको जो है ये जो बुरा फील हुआ है उसको अच्छा फील होगा। तो ये था गाइज मेरा जेन्युइन एक्सपीरियंस एज अ ऑडियंस जो मेरे को देख के बिग बॉस लगता है, एंड आई एम बीन ऑनेस्ट एंड आई एम बीन वेरी न्यूट्रल इन दिस केस, मैंने किसी का फेवर वगैरह नहीं लिया है। और बाकी आपको क्या लगता है कौन इस सीजन में जीतेगा वो आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और आप देख रहे हैं बिग बॉस नहीं देख रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।